सेमी फाइनल में इंडियन खवातीन ने आज बांग्लादेशी वुमेन्स को पिछाड़ के रख दिया है। आज हमें वन साइडेड मैच देखने को मिला। हिंदुस्तान की लड़कियां स्ट्रॉम्ड इनटू द फाइनल आफ्टर क्रशिंग, बैम्बूजलिंग, थ्रैशिंग, हैमरिंग सॉरी बांग्लादेश वुमेन बाय 10 विकेट्स इन 11 ओवर्स। वुमेन्स क्या चीज है यार, बांग्लादेश को इतनी बुरी हार, इतनी बुरी हार जैसे कोई माइनों की टीम होती है यार। बट इंडियन वुमेन्स आर टू गुड यार। एशिया कप 2024 का मैच भी इंडियन वुमेन ने ना सिर्फ जीता बल्कि अपने आप में एकदम कहते हैं ना सुपर डुपर रिकॉर्ड बनाया। भाई ये वुमेन क्या कर रही है, क्या मैजिक है इनके बल्लों के अंदर, चौके छक्के, आवाम की तो गर्दन नीचे ही नहीं आ रही थी, आसमानों में गेंदे ढूंढते रहे। वेल डन, कांग्रेचुलेशन हिंदुस्तान वुमेन्स टीम ने, क्या जबरदस्त जो है हराया, मजा आ गया भाई। ये पारी देखकर मेरे को लगता है कि मेन टीम भी इसको देखकर काफी ज्यादा शॉक हो गए होंगे। जो मारा है, जो किसी टाइम, मैं कह रहा हूँ कि चैंपियन इस एशियन टीम्स के अंदर ना कोई भी ऐसी टीम नहीं है। आप मुझे बताइए कि नेपाल इनको हराएगी, क्या बांग्लादेश इनको हराएगी, क्या पाकिस्तान को हराएगी, भाई इंडिया को हराने वाली टीम मुझे मौजूदा एशिया टीम नजर नहीं आएगी। कोई टीम हराने वाली, क्योंकि देखिए ना इंडिया का हमेशा मुकाबला जाता है पाकिस्तान के साथ जाता है या ना सीना कंट्रीज के साथ। हिंदुस्तान वुमेन्स टीम्स को मैं देख रहा हूँ तो भैया मेरे को ऐसा लग रहा है कि ये एशिया कप भी यही लोग ही उठाएंगे, क्योंकि अभी तक जो मैचेस हम देख रहे हैं मेरे को नहीं लग रहा कि कोई अगली टीम जो है इतनी पावरफुल हो वुमेन्स की और इस तरीके से खेल रही हो जिस तरीके से हिंदुस्तान की वुमेन टीम खेल रही है। भाई ऐसा लग रहा है कि मेन टीम आ गई है हिंदुस्तान की वुमेन के साथ खेल रही है। मेंस के अंदर जैसे विराट कोहली रोहित शर्मा आते साथ ही कुटने शुरू हो जाता है, जो समझ लें कहना इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया देख लो जिस तरह रोहित शर्मा आके कुटता है, और वुमेन्स के अंदर इंडिया का किसी के साथ मैच खेला शिवाली वर्मा और मंदाना जिस तरह आके कुटती है आपको रोहित शर्मा विराट कोहली नजर आता है। जैसे हम कहते हैं कि इंडिया के मैन जो मारते हैं किलोमीटर की सीट से ज्यादा है, इंडिया की वुमेन ने भी यही हिसाब किया हुआ है यार। देखो मैं और मारती ज्यादा है, ये इंडिया के पास गया, उनके लेजेंड का कप इंडिया के पास गया, इट्स टाइम फॉर इंडियन वुमेन्स, वो जीत के आएंगी यार। मैं कहता हूं कि बैटिंग बॉलिंग, मैं आपको सही बात बताऊं यार, अब रात को पता चलेगा अगर पाकिस्तान फाइनल में आ गई ना थोड़ा बहुत हमें कंपटीशन नजर आएगा। यही सवाल मैं करने वाली थी इंडिया की वुमेन्स की जीत पर, तो हमने बात कर ली। अगला मैच पाकिस्तानी खवातीन का होने जा रहा है श्रीलंकन वुमेन्स टीम के साथ, क्या लगता है वलीद, क्या पाकिस्तान श्रीलंका से जीत कर सेमीफाइनल? हम दुआएं कर रहे हैं, कुदरत का निजाम एज ऑलवेज, कोई इंडिया बीसीसीआई कोई पैसा फेंके ताकि पाकिस्तान आगे आए, फाइनल में मजा आए, या क्या करेंगे ये लोग श्रीलंका को। बड़ी तुम्हारी मेहरबानी, पाकिस्तान इंडिया का मैच करवा दो, हमें पता है आप बहुत बड़े स्क्रिप्ट राइटर हो। 11 ओवर में हिंदुस्तान की लड़कियों ने 83 रन बनाए, 80 रन थे बांग्लादेश के 20 ओवरों में 8 विकेटों पे। तो इंडिया की जो लड़कियां हैं उन्होंने ये टारगेट बगैर किसी नुकसान के 11 ओवरों में पूरा कर लिया। आपसे कहा था ये सेमीफाइनल बाहर चला तो 12 ओवर से ज्यादा 10 और 12 ओवर, माना मोहसिन अली पाकिस्तानी है, माना कुछ के दिलों में खंजर की तरह, भाले की तरह, कृपाण की तरह, चाकू की तरह चुभता है, चुभता रहेगा। अब वो तरस जाएंगे, अब उनके साथ उन्हीं किस तरह डील होगा, कानूनी रास्ते, और हम होंगे जो जितनी बड़के मारते हैं वो रिजवान और मोहसिन को लड़ाने के सपने, वो और को लड़ाने के सपने, ये सपना टूटा तो दिल कभी जलता है, हथौड़ा दर्द हुआ ज्यादा दर्द होगा और नहीं चलेगा। एनीवेज दिस इज टीम इंडिया, आपको पहले ही कहा था दिस एशिया कप लाइक आई सेड इन द आईपीएल, रोहित द हिटमैन शर्मा विल राइज, किसी का बाप कोई बाप माई का लाल ये एनालिसिस नहीं कर सका कि रोहित शर्मा जो सुपर फ्लॉप है आईपीएल में वो हिंदुस्तान की टीम का लीडिंग स्कोरर हो। शिफाली वर्मा का अगर रिकॉर्ड चेक करें, शिफाली वर्मा मोस्ट रन्स टी20 एशिया में, शिफाली वर्मा के 158 रन शिफाली वर्मा के जा रहे हैं, हाईएस्ट स्ट्राइक रेट भी शिफाली वर्मा का जा रहा है एशिया के अंदर, उसके अलावा मोस्ट सिक्सेस भी शिफाली वर्मा के ही जा रहे हैं, मोस्ट फोर्स भी शिफाली वर्मा के जा रहे हैं। यार शिफाली वर्मा इंडिया के पास वो जैम आ गया जो रोहित शर्मा आया था। इवन शिफाली वर्मा की आप बॉडी भी चेक करें, शिफाली वर्मा रोहित शर्मा की बहन की बेटी लगती है जिस तरह ये कुटती है यार। एक दफा ना ड्रेसिंग रूम में जाके ना शिफाली वर्मा का ना मेकअप उतारो, क्या पता बीच में रोहित शर्मा निकल आए यार। देखें कि ना नो डाउट के ना बड़ी खुशी महसूस होती है जब क्या कहते हैं साउथ एशिया की कंट्री फॉर एग्जांपल इंडिया और पाकिस्तान जो क्रिकेट वुमेन्स के अंदर भी जो अब इतनी ऊपर जा रही, बड़ी खुशी महसूस होती है। अब तो सुबह टाइम इस टाइम तो हमें हमारे हमसाय ने खुश कर दिया, अब देखो रात टाइम हमारे मुल्क वाले क्या हाल है। ये बताइए इंडियन वुमेन हो या इंडियन मेंस की टीम हो, वलीद ये क्या खा के मैदान में उतरते हैं कि जीते बगैर ये वापस जाना पसंद ही नहीं करते? पुराने दर्द को खाकर अंदर आते हैं, पुराने दर्दों को खाकर अंदर आते हैं कि भाई ये दिल है ना ये इतना टूटा हुआ ना इसके अंदर सीमेंट भरना है वो भी ट्रॉफीज के साथ। अच्छा। हमारे यहाँ पे कुछ खापे खुबे खा के भरते हैं वो ट्रॉफीज के साथ। 7-8 बार तो हार जीत चुकी है यार, इनके लिए एशिया कप जीतना तो एक ऐसे गप की तरह ही है, कुछ ऐसी नई चीज नहीं है। एशिया में तो इनका मुकाबला ही नहीं है यार, दुनिया के स्टेज पे इनका कोई इंग्लैंड ऑस्ट्रेलिया के साथ मुकाबला होता है वहां मजा आता है इनके मैचेस देखने का, बाकी एशिया में तो ये कच्चा चबा डालती है। आप देख लो
लो कितना डोमिनेंस के साथ मैच खेला है, मतलब इतनी डोमिनेट परफॉर्मेंस। वो जो हमारा बाबर घंटा को एक ही इंग्लिश का वर्ड आया हुआ है, डोमिनेट डोमिनेट डोमिनेट। राधा यादव को देखो, और राधा यादव ने जो बॉल डाली है यार, कसम से मुझे दीवाना बना दिया यार। वो पहली बॉल उसके स्पेल की जो पड़ी है, जिस तरह से आम हुई है, जिस तरह से वो बॉल अंदर स्विंग हुआ है, जिस तरह से वो बांग्लादेशी बैटर बोल्ड हुई, ओफो यार ये तो जडेजा से भी बढ़ गया यार। ये वुमेन जडेजा से भी कोई आगे की चीज है। क्या कमाल की बॉलर है राधा यादव यार। दोनों ने तीन तीन विकेट लेके बांग्लादेश की कमर ही तोड़ के, मैंने हमारी वुमेन खेलती है पैसों के लिए, डॉलर्स के लिए, वो खेलते हैं ट्रॉफीज के लिए, अपने मुल्क के लिए, अपने मुल्क के लिए। आईसीसी वाले नहीं देते जितना बीसीसीआई वाले देते हैं, वो इसलिए वो कहता है हमारे हमारे लिए पैसा इंपॉर्टेंस नहीं है, जितना जितना आईसीसी वालों ने देना बांग्लादेश इंडिया के साथ खेलने ही ना उतरती, जिस तरह आज धुलाई हुई है ना बांग्लादेशी वुमेन का। पता था कि इंडिया ने जीतना ही जीतना यार, एटलीस्ट थोड़ा बहुत बांग्लादेश को स्ट्रगल करने देते, थोड़ा पता तो चलता यार ये मैच हो रहा है। मुझे तो लग रहा है शो चल रहा है बिल्कुल यार। शिफाली वर्मा पता नहीं क्या खा के स्टेडियम में उतरी है, और स्मृति मंदाना का शर्ट का नंबर क्या है 18, और विराट की तरह ही वो खेल दिया। शिफाली वर्मा का भी काश रोहित शर्मा वाला नंबर होता। सीधी साफ आता है, शिफाली वर्मा और मंदाना कैंसिल, रोहित शर्मा विराट कोहली टिक। ये मैच मतलब इंडिया दूसरे लेवल पे खेल रहा है, वुमेन में भी दूसरे लेवल पे खेल रहा है, और जिस तरह परफॉर्म कर अच्छा लग रहा है, कहता हूँ कमाल है। ओवरऑल अगर बात की जाए तो इंडियन वुमेन जो है वो भी अच्छा परफॉर्म कर रही है क्रिकेट के अंदर, मेंस भी अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। आज यूए की टीम को जिस तरीके से उन्होंने चित किया, मैं कहता हूँ कमाल कर दिया। और इंडिया ने ये चीज़ ठान ली हुई है कि भजन अनबीटेबल रह के हमने सबको क्रिकेट के अंदर हराना, और जिस तरीके की आज की परफॉर्मेंसेज हुई हैं तो हमें यही देख रहा हूँ कि मेरा कि भाई इंडिया के जो मेंस हैं वो भी आगे जा रहे हैं, वुमेन्स भी आगे जा रही हैं। आखिरी टेस्ट मैच खेला था तो पाकिस्तान के 12 जीते हैं, इंडिया की 9 जीते हैं। वो उस जमाने में बहुत मैच होते थे जब टेस्ट मैच उसी का ही रिवाज था। टेस्ट मैच बिल्कुल जी क्रीज से आके सौ जाओ, टीवी चे वेखने वाले भी सुते हुए ने, तुसी भी सौ जाओ, तो बैट्समैन भी सौ जाते थे। पांच पांच दिन खेलने के बाद वो बस रिजल्ट निकलता था, ड्रॉ ड्रॉ ड्रॉ। लेकिन अब खैर क्रिकेट चेंज हो गई है। अब आप ये अच्छी बात बोले या बुरी बात बोले पाकिस्तान के लिए कि वो पिछले 15-17 सालों से इंडिया के साथ टेस्ट सीरीज खेल ही नहीं रहे, या इंडिया नहीं खेल रहा, आप ऐसे कह लें कि जो सही बात है कि इंडिया नहीं खेल रहा, पाकिस्तान खेलना चाहता है, इंडिया नहीं खेल रहा। अगर खेल रहे होते तो टेस्ट में ये रिकॉर्ड जो है उल्ट पुल्ट हो जाता, खास करके जो पिछले 4-5 साल में मिसबा की कप्तानी के बाद से जो टीम बनी है टेस्ट की। 2017 में मिसबा रिटायर हो गया था, 2017 तक मिसबा जब तक। दोस्तों आज था विमेंस एशिया कप के सेमीफाइनल मैच, और ये मैच था इंडिया और बांग्लादेश की विमेंस टीम के बीच में। आज का मैच इंडिया ने जीत लिया है, और बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से जीत लिया है, और बांग्लादेश की विमेंस टीम को बहुत ही ज़बरदस्त एक पटकने लगाई है इंडिया की विमेंस टीम ने। दोस्तों इस मैच में बहुत ही शानदार परफॉर्मेंस दिखाई है टीम इंडिया ने, और ये मैच जो है 10 विकेट से जीत लिया है। दोस्तों पहले बैटिंग करते हुए बांग्लादेश की विमेंस टीम ने 80 रन का स्कोर किया था 8 विकेट ऊपर 20 ओवर के अंदर, और उसके जवाब में इंडिया की टीम ने वही 83 रन का स्कोर किया है बिना विकेट गवाए, 11 ओवर के अंदर ही मैच को ख़त्म कर दिया। जी हाँ दोस्तों, बिना विकेट गवाए 11 ओवर के अंदर ही मैच को जो है फिनिश कर दिया, और जो ओपनिंग जो बैट्समैन थी इंडिया की तरफ से स्मृति मंदाना और शेफाली वर्मा, दोनों ने बहुत ही ज़बरदस्त परफॉर्मेंस दिखाते हुए भाई इस मैच को जो है 11 ओवर के अंदर ही फिनिश कर दिया। स्मृति मंदाना ने 55 का स्कोर किया था और शेफाली वर्मा ने जो है 26 रन का स्कोर किया था। दोनों ही बैट्समैन ने जो है इस मैच को फिनिश करके भाई ये मैच इंडिया की झोली में डाल दिया, और अब फाइनल के अंदर जो है एंट्री ले ली है विमेंस टीम इंडिया ने। और उम्मीद अब यही है कि भाई जैसे चैंपियंस ट्रॉफी इंडिया की जो मेंस टीम लेके आई है, वैसे ही अब वुमेंस टीम जो है एशिया कप लेके आए, क्योंकि सेमीफाइनल में जीत हासिल कर ली है। अब एक फाइनल मैच है, उसके अंदर देखते हैं क्या कुछ टीम इंडिया कर पाती है। और भाई बांग्लादेश की जो आज की मैच की बात करें तो भाई उनमें एक निगार सुल्ताना जो कैप्टन थी, उन्होंने ही बस एक 32 रन का स्कोर किया था, बाकी जो प्लेयर्स थे वो कुछ खास कर नहीं पाई, और भाई 20 ओवर के अंदर 80 रन का ही स्कोर कर पाई। यानी कि इंडिया की जो बॉलिंग थी बहुत ही शानदार रही है, और बॉलिंग की बात ही कर लेते तो उसमें भाई
इंडिया की तरफ से जो है 3 विकेट लिए रेणुका सिंह ने और 3 विकेट लिए राधा यादव ने। दूसरा सेमीफाइनल है आज श्रीलंका और पाकिस्तान की विमेंस टीम के बीच में, तो इसमें से जो भी टीम जीतेगी उसका होगा इंडिया के साथ मुकाबला। देखते हैं, अगर पाकिस्तान जीतती है तो बहुत ही ज़बरदस्त और रोमांचक मुकाबला होगा फाइनल में इंडिया पाकिस्तान का, और अगर श्रीलंका जीतती है तो भी बहुत ही ज़बरदस्त जो है मुकाबला होगा। देखते हैं श्रीलंका के साथ इंडिया की विमेंस टीम का फाइनल होता है या फिर पाकिस्तान का, और एशिया कप कौन लेके जाती है।